आज हम बात कर रहे हैं माघ मौनी अमावस के शुभ मुहूर्त पूजा विधि के बारे में, उपाय के बारे में बता रहे हैं कि अमावस को कौन सी उपाय करनी चाहिए, क्योंकि ये जो अमावस आ रही है, अब की 30 सालों बाद ऐसी अमावस आ रही है जो 21 जनवरी को है और महासंयोग बन रहा है। और आप लोग ऐसा, हम अपने चैनल के माध्यम से कुछ उपाय बताएंगे, उसे आप करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छी जानकारी हम आपको देंगे आज। शास्त्रों में अमावस को बेहद ही खास बताया गया है, और ये जो अमावस होता है ये पितरों को समर्पित है, और ये साल 2023 में माघ मास की 21 जनवरी को पड़ रही है, और माघ का महीना स्नान दान के लिए सबसे पवित्र माना जाता है। और इस दिन जो स्नान दान करता है, पूजा पाठ करता है, भक्तों को विशेष लाभ होता है। मौनी अमावस के दिन भगवान विष्णु और प्रत्यक्ष देवता सूर्य की पूजा का बहुत बड़ा विधान है। इस बार मौनी अमावस पर करीब 30 वर्षों के बाद एक ऐसा खास संयोग हो रहा है, और हम आपको मौनी अमावस के बारे में सही जो है पूजा विधि बताएंगे, शुभ मुहूर्त बताएंगे, उपाय बताएंगे। हर एक चीज़ का हम ध्यान रखते हैं कि आपको कौन कौन सी ऐसी जानकारी है जो हमारे देने वाली है, और हम आपको अपने चैनल के माध्यम से बताते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मौनी अमावस 21 जनवरी शनिवार को लग रही है, और जो शनिचरी अमावस होती है बहुत ही शुभ मानी गई है। अगर किसी के ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, इस दिन उपाय कर सकते हैं। इस दिन उपाय करना बहुत ही शुभ होता है। महादान आप कर सकते हैं, इस दिन हरा नारियल लेकर के, काला माँ लेकर के, और उसको आप चलते पानी में इसे डाल सकते हैं या शनि मंदिर चढ़ा सकते हैं। मौनी अमावस के दिन 30 वर्षों के बाद अद्भुत संयोग का निर्माण हो रहा है, और कौन सा योग लग रहा है? खप्पर योग लग रहा है। खप्पर योग के साथ में सर्वार सिद्धि योग लग रहा है। हर्षण नामक खास योग बनेगा, जिसमें क्या है कि धार्मिक कार्य और कुछ उपाय करने से भक्तों को बहुत लाभ मिलेगा। इसके साथ ही मौनी अमावस के ठीक 4 दिन पहले यानी 17 जनवरी को शनिदेव राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो राशि परिवर्तन करने से क्या होता है कि जब शनि एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं तो उसका भी बहुत ही फर्क पड़ता है, उसका भी बहुत ही शुभ संयोग बन जाता है। अमावस के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके गंगा जी, या फिर अगर आप गंगा जी के वहाँ नहीं जा सकते, हरिद्वार इलाहाबाद नहीं जा सकते हैं, तो अपने घर पर ही अगर गंगा जल है, गंगा जल थोड़ा सा लेकर के जल में मिला करके स्नान कीजिए, सूर्य देव को अर्घ दीजिए। पूजा स्थल में विष्णु भगवान जी की प्रतिमा स्थापित करें, जिसे मंदिर में आप भगवान विष्णु की मूर्ति लगाए रखें, फोटो लगाए रखें, उसको जो है थोड़ा सा वहाँ पर पंचामृत से स्नान कराएं, और कम से कम जो है पीले फूल और केसर चंदन उनको अर्पित करें, और या पीला टीका विष्णु भगवान जी को लगा दीजिए, और एक देसी घी का दीपक जलाना है, और विष्णु चालीसा या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, और इस दिन मौन रह करके व्रत करने से अच्छे फल की प्राप्ति होती है। क्यों? इसीलिए इसको मौनी अमावस कहते हैं, क्योंकि इस दिन मौन रहना है, मौन रह करके पूजा करना है, कम से कम बोलना है। व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करने के बाद में कुछ दान करना चाहिए, उसे अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस के दिन जरूरतमंद जो लोग हैं उनको तेल, गुड़, वस्त्र, कम्बल इत्यादि का दान कर सकते हैं। साथ ही अगर संभव हो सके तो अपने सामर्थ्य के अनुसार उन्हें भोजन भी कराएं। इससे जो है आपकी जो किसी प्रकार की मुश्किलें हैं, परेशानियाँ हैं, वो सभी परेशानियाँ दूर होंगी। मौनी अमावस पर मौन रह करके भगवान विष्णु की आराधना, और अगर आप अपने पितरों का तर्पण करेंगे, या आपके पितर जो है रुष्ट हैं, पितृदोष है, काल सर्प योग है, वो भी दूर हो जाता है इससे। इस दिन मौन रह करके पूजा करें, भजन करें, मंत्र जाप करें, कई गुना अधिक फल पुण्य प्राप्त होता है। अगर दिन भर मौन व्रत नहीं रख सकते हैं तो थोड़ी देर, जितनी देर आप पूजा करते हैं उतनी देर मौन व्रत रखें, भगवान विष्णु का ध्यान करें, आपका कल्याण होगा।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।